संसार के मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज मैं चंपारण की इस धरती को नमन करती हूँ जहाँ से मोहनदास करमचंद गांधी जी ने एक गौरवशाली सत्याग्रह की शुरुआत की। यहाँ के बेसारा किसानों, मजदूरों, महिलाओं और गरीबों को बिना खड़ग, बिना ढाल अंग्रेजी हुकूमत के भय और शोषण से मुक्ति दिलाई थी। इसी चंपारण के सत्याग्रह से प्रभावित होकर गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने उन्हें महात्मा की उपाधि दी थी और गांधी जी मानव से महामानव बनकर न सिर्फ भारत बल्कि विश्व का मार्गदर्शन करने लगे। बिहार की गरीबी और चिंताजनक दशा से दुखी होकर उन्होंने फकीर का जीवन अपनाया था। महिलाओं, गरीबों, दलितों को शिक्षित और सशक्त करने का बीड़ा उठाया था। इसके साथ ही गांधी जी की प्रतिमा अनावरण के इस पावन अवसर पर मैं सभी समुदायों और वर्गों के उन स्वतंत्रता सेनानियों को भी स्मरण और नमन कर रही हूँ जिन्होंने चंपारण आंदोलन में गांधी जी को अपना पूर्ण सहयोग और समर्थन दिया। आज मैं लाल बहादुर शास्त्री जी का नाम भी लेना चाहती हूँ क्योंकि आज हम उनका जन्म दिवस भी मना रहे हैं। जय जवान जय किसान उनका नारा हम सबको इस कठिन समय में पहले से ज़्यादा प्रेरणा देता है। कांग्रेस पार्टी के लिए तो महात्मा गांधी जी के विचार पार्टी की आत्मा है। उनके लिए प्रगति का अर्थ मनुष्य का समग्र विकास था। उनके लिए राष्ट्र के विकास का मतलब देश के सबसे गरीब व्यक्ति को उस विकास के एहसास से था, यह नहीं कि केवल चंद लोगों के विकास से। जैसे चंपारण में नील की खेती से कुछ लोग मालामाल हो रहे थे, लेकिन हजारों हजार किसान गरीबी और भुखमरी के शिकार हो रहे थे। गांधी जी के लिए यह घोर अन्याय और पाप था। इसी कारण कांग्रेस पार्टी की हर कार्य योजना देश की जनता को ध्यान में रखकर बनती है, न कि चंद लोगों के लिए। जब भी कांग्रेस गरीबों के उत्थान के लिए कार्य करती है तो कुछ शक्तियां अपने निजी स्वार्थ में उनके विरोध में खड़ी हो जाती है। आपको याद होगा, आप तो जानते ही हैं कि जब कांग्रेस ने देश के ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी को दूर करने के लिए मनरेगा लाए तो उसका किसने विरोध किया, किसने उसका मजाक उड़ाया? अगर आज मनरेगा जैसी योजना नहीं होती तो इस कोरोना महामारी के दौरान करोड़ों लोग भुखमरी के शिकार हो गए होते। आप देख रहे हैं और समझ रहे हैं कि आज देश में ऐसी नीतियां चल रही हैं कि गिनती के चंद लोग उस समय के चंपारण के नील की खेती की तरह आज मालामाल हो रहे हैं। उनके लिए तो विकास की आंधी आ गई है, लेकिन दूसरी तरफ देश में करोड़ों युवाओं का रोजगार छीना जा रहा है। लाखों लाख
छोटे और कुटीर उद्योग बंद हो रहे हैं। किसान की हालत आप तो देख ही रहे हैं। आप देख रहे हैं कि कांग्रेस के शासनकाल में जो देश को सबसे रोजगार देने वाली संस्थाएं थी, उनका निजीकरण किया जा रहा है। नए रोजगार की बात तो छोड़िए, जिनको रोजगार मिला उनकी चांदनी हो रही है। महात्मा गांधी जी के लिए सत्य ही ईश्वर था। कांग्रेस पार्टी ने हर समय सत्य को अपनी कार्यशैली में अपनाया है। उसी का परिणाम था कि जब आम जन को सरकार के अधिकारियों और मंत्रियों की कार्यशैली पर शक होने लगा, किसी पर भी कोई आरोप लगा, तो यूपीए सरकार ने तुरंत कार्रवाई की। आज के समय इसका ठीक उल्टा हो रहा है। यही नहीं, सरकारों को पारदर्शी बनाने के लिए, भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए सूचना का अधिकार जैसा इतिहास कानून हमारी यूपीए सरकार ने बनाया, भारत के हर नागरिक को यह अधिकार दिया कि आप किसी अधिकारी, मंत्री या कार्य योजना के बारे में कानूनी तौर पर जानकारी हासिल कर सकते। लेकिन आज भ्रष्टाचार से लड़ने वाले सूचना के अधिकार के कानून को इतना कमज़ोर किया कि आप सवाल पूछते जाओ मगर आपको जवाब कभी नहीं मिलेगा। जवाब क्यों नहीं मिलेगा, इसे आप सब खुद समझ सकते हैं। यही नहीं, यूपीए सरकार का चाहे वह रोजगार से जुड़ा हो, स्वास्थ्य या शिक्षा से जुड़ा हो, किसानों से जुड़ा हो, खाद्य से जुड़ा हो, महिलाओं की सुरक्षा या सशक्तिकरण से जुड़ा हो, कामगारों, गरीबों से जुड़ा कानून हो, उन सभी कानूनों को मौजूदा मोदी सरकार ने इतना कमज़ोर कर दिया जिससे आम नागरिक के हितों पर प्रहार हुआ है, उनके अधिकारों को छीना है। महात्मा गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे, मानवता के पुजारी थे। उनकी निगाह में कतार में खड़ा समाज का अंतिम व्यक्ति होता था, वंचित व्यक्ति होता था। वे सबको बराबरी की निगाह से देखते थे। आज कुछ लोग गांधी जी का नाम जोर शोर से तो लेते, लेकिन अपने कार्यों से उनके उसूलों और आदर्शों को चूर चूर कर दिया है। आप खुद देखिए, चारों तरफ हिंसा, चारों तरफ अराजकता, अत्याचार, दुराचार, जानबूझकर समाज में भेदभाव का माहौल बनाया जा रहा है, बेगुनाहों पर जुल्म किए जा रहे हैं। भाइयों और बहनों, बस अब बहुत हो गया है। मैं इतना कहना चाहती हूँ कि कुछ लोग भावना, भ्रम और भय का व्यापार करके सरकार चला रहे हैं। आप उन सब से सावधान रहें और सही निर्णय लें। इसके लिए गांधी जी के सत्य, अहिंसा और स्वराज के मार्ग पर चलते हुए हम सबको एकजुट होकर लड़ना होगा। यही महात्मा गांधी जी को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। कांग्रेस पार्टी गांधी जी के सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलकर लगातार संघर्ष करेगी और आखिर में
आप सभी के सहयोग से सफलता पाएगी। अंत में मैं बिहार की इस महान भूमि, भगवान बुद्ध, भगवान महावीर, गुरु गोविंद सिंह जी की जन्मभूमि और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की कर्मभूमि बिहार को नमन करते हुए आप सभी को अपनी शुभकामनाएं देती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।